तो मेरा नाम गुलाम अहमद मोहिद्दीन सलमान है। मैं आज सुबह यूक्रेन से हैदराबाद पहुंचा। मैं यूक्रेन में उज़गोरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं वहाँ का। मेरी फ़्लाइट थी 24 फरवरी को मेरी फ़्लाइट थी। जो दिन ब्लास्ट हुआ वो दिन मैं 5 बजे के टाइम जो ब्लास्ट हुआ दिन मैं एयरपोर्ट पर था। 5 बजे के टाइम हम लोग बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे कि ये लोग आके एयरपोर्ट अथॉरिटी आके इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन बोल के हम लोग को बाहर निकाले। बाहर निकाले बाद हम लोग जब बाहर गए पूरे लोग बाहर गए कुछ नहीं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थे सिर्फ इवैक्यूएशन बोल के बाहर निकाले। हम लोग सब जो नहीं कोई ड्रिल कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे बोल के बाहर निकले। बाहर निकले बाद मैं कोई अथॉरिटी बाजू थी तो अथॉरिटी से पूछा ये इवैक्यूएशन कर रहे हैं क्यों बोलते। वो लोग बोले रशियन मिलिट्री लैंड हो सकती एयरपोर्ट पर। तो विद इन 5 मिनट्स ठीक है चलो लैंड हो रही ना चलो निकलेंगे ऐसे बोल के हम लोग वहाँ से जैसा हट रहे थे विद इन 5 मिनट्स वहाँ पे ब्लास्ट की आवाज़ सुनी गई। रशियन मिलिट्री लैंड नहीं हो रही थी ब्लास्ट हो रहा था। वो लोग हमारे को इस ब्लास्ट बोल के इसलिए नहीं बोले कि पब्लिक पैनिक होना शुरू कर देगी। यूक्रेनियंस में करीब हम लोग 500 हज़ार लोग थे एयरपोर्ट पर। सिर्फ यूक्रेनियंस फैमिलीज़ के साथ थे छोटे कुछ 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे बच्चों को लेके खींच बच्चों को हाथ पकड़ के भागे बच्चे गिर गए खुंदले गए बच्चे यूक्रेनियंस जी। फिर बच्चों को लोग उठा के निकल कम से कम हम लोग वहाँ से 3 से 4 3 किलोमीटर तक तो भाग लेते हुए गए। हम लोग नॉन स्टॉप पीछे पलट के देखे नहीं सिर्फ आगे चलते रहे 5 3 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर हम लोग पीछे पलट के देखे तो ऑलमोस्ट यूक्रेनियंस कुछ टैक्सीज कर लिए कुछ लोग को कुछ लिफ्ट लेकर चले गए कुछ बसेस में चले गए। इंडियंस को कोई बस ना बस रुक रही थी इंडियंस के लिए ना टैक्सीज रुक रहे थे। वहाँ पे रेसिज्म इतना है कि सिर्फ वो लोग यूक्रेनियंस को फर्स्ट प्रियोरिटी देते जी। तो जैसा अब हम लोग वहाँ से निकले 3 3 किलोमीटर के बाद अब हम लोग बोले अब अभी कहाँ जाना चलो एम्बेसी को कॉल करेंगे। मैं एम्बेसी को कॉल करा एम्बेसी को कॉल करके इन्फॉर्म करा सबसे पहले मैं ही कॉल करके इन्फॉर्म करा कि यहाँ पे ऐसा ब्लास्ट हुआ। एम्बेसी वाले बोल रहे मेरे को कॉल पे बोल रहे फर्स्ट कॉल करा ठीक है बोल के बोलो काट दिए कॉल ठीक है मैं कंफर्म करके वो कॉल करता हूँ बोल के काट दिए कॉल। मैं फिर वापस 10 15 मिनट्स के बाद कॉल करा सर व्हाट हैपेंड सर आई जस्ट नो कॉल्ड यू यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग यू डिडंट इन्फॉर्म एनीथिंग बोल के कॉल करके बोला। तो वो लोग बोल रहे हैं मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है जो तुम मेरे को बोले वो सही है या गलत है वो तुम मेरे को कन्फर्म करके बोलो। सर एक नहीं सर तीन तीन बार आवाज़ सुने हम लोग ब्लास्ट की तीन तीन ब्लास्ट की आवाज़ सुने काट दिए वो लोग। फिर उसके बाद वो लोग जब एम्बेसी वाले जब कंफर्म हो गए कि ब्लास्ट ही हुआ कॉल रिसीव करना बंद कर दिया एम्बेसी वाले हम लोग का। मेरा नंबर वो लोग कहीं पहुँच गया था ऑलरेडी तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। मैं कॉल कर रहा हूँ नंबर मेरा लग रहा ही नहीं कॉल इंगेज आ रहा सिर्फ कॉल। तो फिर हम लोग वहाँ रुके करीब 2 घंटे के बाद एक बस आई जिसमें गवर्नमेंट की बस गवर्नमेंट बस एयरपोर्ट से जा रही थी बस वो। तो उसमें कुछ थोड़े इंडियंस चढ़ गए थे हम लोग कहीं रोकी बस कहाँ जा रहे हैं पूछे। दूसरे इंडियंस को देख के हम लोग भी बोले चलो भाई इंडियंस है कुछ 30 इंडियंस थे बस में पूरे हम लोग भी चढ़ गए बस में। इंडियंस देख कर बस भी हमारे को जहाँ वहाँ से जैसा बस निकली एयरपोर्ट से फर्स्ट बस स्टॉप जो आता वो बस स्टॉप पे उतार दी हम लोग एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर पर छोड़ दिया हमारे को बस। वहाँ से हमारे को एम्बेसी 20 किलोमीटर दूर पर एम्बेसी थी। अब हम लोग बोले चलो भाई अब यहाँ से एम्बेसी जाएंगे टैक्सीज बुक कराए। टैक्सीज का फेयर बतला रहा 1000 ग्रीवेंस 1500 ग्रीवन 1500 ग्रीवन मतलब इंडिया 20 किलोमीटर के इंडिया के कम से कम हमारे को 4500-5000 रुपये टैक्सी बोल रही। और चलो इतना आ रही ना टैक्सी तो आ रही ना टैक्सी बुक करे तो टैक्सी वाला एक्सेप्ट कर रहा देख रहा कैंसिल कर दे रहा क्योंकि ट्रैफिक सिटी से पूरे बाहर निकल रहे और सिटी के वापस अंदर जाना नहीं चाह रहा हूँ। और जब हम लोग वहाँ पे ठहरे हुए थे कम से कम हमारे सामने से 20 कॉन्वॉय गए मिलिट्री कॉन्वॉयस बॉर्डरिंग सिटीज़ के लिए। तो फिर अब हमारे साथ जो बच्चे थे वो लोग को इन लिंक्स निकाल के करीब में हॉस्टल है बोलकर मालूम करे कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल मालूम करे कुछ 3.5 किलोमीटर्स की दूरी पे था। तो अब टैक्सीज वो तो कुछ नहीं मिल रहे थे पूरे लोग लगेज लेके 3 3.5 किलोमीटर फिर वहाँ से पैदल गए हॉस्टल तक। हॉस्टल में पैदल जाके ये मालूम हुआ हॉस्टल में हमारे को बोले तुम लोग सबसे पहले हॉस्टल वालों का यही बोलना था वाई यू ऑल केम हियर तुम लोग पूरे यहाँ क्यों आए हॉस्टल में हमारे हॉस्टल में क्यों आए। हॉस्टल के वार्डन का और हॉस्टल के दूसरे सीनियर्स का यही बोलना था हमारे पास ही इतने बच्चे हैं तुम लोग यहाँ क्यों आए।
हम लोग बोले सर अभी हम लोग को एम्बेसी, तो हम लोग जाने की कोशिश करें एम्बेसी, हम लोग नहीं जा सके, तो हमारे को जो भी नज़दीक हमारे को इंडियन इंडियन शेल्टर, इंडियन हॉस्टल जो भी करीब में दिखा, हम लोग वहाँ पर आ गए सर। बोल के बोले तो ठीक है कम इन साइड बोल के, पहले वो लोग हमारा पूरा लगेज बाहर रखा है जी, बाहर बारिश पड़ रही थी तो हम लोग को सबको अंदर लेके गए, लगेज बाहर ही रख कर अंदर लेके गए, अंदर बिठाए, पानी पीने करने दिए, चार्जिंग फ़ोनों में किसी के चार्जिंग नहीं थी, क्योंकि सुबह 5 बजे से हॉस्टल जब हम लोग पहुँचे करीब 9:30 हो रहे, तो हॉस्टल पहुँचे वक्त तो हम लोग 5 AM से एयरपोर्ट से निकले, तो 9:30 को हॉस्टल पहुँचे, जब तक हम लोग पूरे रोड पे थे, फिर हॉस्टल में बैठे, फिर वहाँ से जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे जो एयरपोर्ट से हॉस्टल का, वो बच्चों को कोच, वो बच्चे वो लोग एजेंट्स को कॉल करे वो लोग के, तो एजेंट्स कुछ वो लोग को अरेंज करके दूसरे हॉस्टल लेके गए, कुछ 30-35 स्टूडेंट्स को अलग हॉस्टल लेके गए, बाकी के हम लोग कुछ 5 स्टूडेंट्स बचे थे हॉस्टल में, कुछ हम लोग 40-45 स्टूडेंट्स हॉस्टल पहुँचे थे, तो हम लोग 5 जने अब हम लोग 5 कहाँ जाना, हम लोग पूछा, हम लोग का वो लोग को तो लेके चले गए, हम लोग का क्या हुआ, तो वो लोग बोल रहे हैं तुम लोग का हमारे को कुछ नहीं मालूम, हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम लोग का, तुम लोग यहाँ रहना या कहीं और जाना, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैदराबादी लोग, हम लोग 2 हैदराबादी थे जी, और फिर दूसरे 3 थे नॉर्थ के, नॉर्थ साइड के, वो लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के थे। यूक्रेन के लोगों को इंडियन स्टूडेंट से क्यों गुस्सा नज़र आ रहा था? यूक्रेन के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लोग की लैंग्वेज में बात करना जी। अगर आपको वो लोग की लैंग्वेज फ्लुएंट आती, वो लोग को आप वो लोग की लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर सकते जी। तो वो लोग आपको एक्सेप्ट करते, नहीं तो नहीं। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट से भी नफरत नज़र आ रही थी, इसकी वजह क्या है? इंडियन गवर्नमेंट जब यूक्रेनियन जब सपोर्ट के लिए जब UN में जी। जब वो लोग का जब सपोर्ट के लिए जब UN में जब हुआ मीटिंग्स हुए UN में जी। तो इंडियन गवर्नमेंट ना यूक्रेन का साथ दी ना रशिया का साथ दी, तो यूक्रेनियंस को वो बात से बुरा लगा कि तुम्हारे 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में पढ़ रही तो भी तुम हमारा साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, इस बात का गुस्सा था। अब वहाँ पर के हालात कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? अभी तो हालात बहुत ख़राब है वहाँ के जी। आज सीज फायर करके आज जो खारकीफ से जो बच्चों को निकाला जा रहा, बोल रहे कोई ट्रांसपोर्ट का कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, अपने आप वहाँ से बॉर्डर सिटीज़ तक पहुँचना है, कुछ भी करके वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुँचना है, क्योंकि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर्स का अथॉरिटीज़, वेस्टर्न बॉर्डर्स की परमिशन है इंडियन गवर्नमेंट के इवैक्यूएशन के लिए। वो लोग इतना बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये भी कह रही कि मीडिया में ट्विटर पे ये भी बतला रहे हैं कि हम लोग रशिया से ऑलरेडी बात कर लिए, तुम लोग को रशियन बॉर्डर से इवैक्यूएट करेंगे, मगर वैसा कुछ नहीं है, कुछ अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि रशियन बॉर्डर पर नहीं पहुँच सकते या नए स्टूडेंट्स वहाँ से। आप किस हद तक मुतमईन है इंडियन गवर्नमेंट जो सपोर्ट करी या नहीं करी, किस हद तक मुतमईन है? इंडियन गवर्नमेंट हमारे को यूक्रेन में 0% सपोर्ट करी, 0%। जो भी वो लोग के ट्विटर्स पे जो भी वो लोग थे ट्वीट्स थे वो पूरे सिर्फ हमारे को एक तरीके के यू कैन डू दिस, बस जस्ट इमेजिनेशन दे रहे थे हमारे को सिर्फ जी। जैसे कि अब हमारे हम जब निकले जब हम लोग को ट्विटर पे मैसेज आया, ट्विटर पे ट्वीट आया कि हमारे लिए स्पेशल ट्रेन्स ऑर्गेनाइज किए गए, जब हम लोग स्टेशन जाके मालूम करे कोई ट्रेन्स ऑर्गेनाइज नहीं थे इंडियन एम्बेसी के थ्रू, और कुछ लोग बोल रहे थे कि एम्बेसी के ऑफिशियल्स आने वाले हैं एम्बेसी का। हम लोग वहाँ से स्टेशन पे कम से कम हम लोग 3 से 4 घंटे स्टेशन पे थे, एम्बेसी के ऑफिशियल्स आना था तो वो लोग 12 o'clock तक आ जाना था स्टेशन, हम लोग मॉर्निंग 8 o'clock को निकले तो हम लोग कुछ 9 o'clock स्टेशन पहुँचे, 1 hour में 20 kilometers का कुछ था हम लोग का स्टेशन पहुँचने का, 9 o'clock तक स्टेशन पहुँचे, तो एम्बेसी के लोग एटलीस्ट 12 PM से पहले स्टेशन आना था, कोई स्टेशन नहीं आया एम्बेसी का। लोग वो लोग ट्वीट भी करे कि एम्बेसी ऑफिशियल्स विल बी प्रेजेंट एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कोई प्रेजेंट नहीं था। आपके इन हालात में कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी आपको? एम्बेसी के तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से तो कुछ नहीं, हम लोग हमारे दम पे स्टेशन तक पहुँचे, हमारे दम पे बॉर्डर पहुँचे, यूक्रेनियन बॉर्डर सिटीज़ में हमारे को थोड़ी हेल्प मिली जी। यूक्रेनियन ज़रा बॉर्डर सिटीज़ पे जो इंडियंस के साथ ज़रा ज़्यादा फ्रेंडली है वो लोग हमें हेल्प करे जी। और लिवीव स्टेशन पे खाने के लिए वो लोग पूरे यूक्रेनियंस वहाँ पे घरों से बना के, उस लिवीव उतना कुछ नहीं, लिवीव हाम से बाहर है, तो लिवीव पे लोग वहाँ पे लोकल लोग खाने के लिए पका के करके ला के, जो इमिग्रेंट्स जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जा रहे थे, वेस्टर्न में सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर पे सबसे बड़ी सिटी है लिवीव, तो वही सिटी पूरे लोग पहुँच रहे थे क्योंकि पोलैंड बॉर्डर वहीं है। तो हम लोग को भी सुने कि यूक्रेन के लोग हथियार बताकर पैसे लूट रहे थे, क्या सही है? जी सही है, यूक्रेन के लोग जैसा जब इंडियन गवर्नमेंट जैसा वो
मना कर दी सपोर्ट करने किसी दोनों कंट्रीज़ को यूक्रेन को, तो यूक्रेनियन पीपल इतने वो हो गए कि इंडियन स्टूडेंट इंडियन को कहीं भी इंडियन रोड पर दिखा वो लोग को हथियार बतला के पैसे लूटना मारना जी, कहीं बाहर कुछ खरीदने गए तो मार के वो लोग का खाना भी लूट लेना फूड लूट लेना जी, ये भी चल रहा था यूक्रेनियन। आपको खाना मुनासिब मिल रहा था या कई दिन तक भूखे रहना पड़ा आपको? खाना तो जैसा हम लोग हॉस्टल में थे हॉस्टल के बच्चों का कुछ खाना था वो लोग पकाने करने का सहूलतें थी, दूसरे जो वो लोग के दोस्त जो अपार्टमेंट से हॉस्टल है वो लोग भी कुछ खाने के लिए कुछ बना खाना पकाने करने के लिए कुछ सामान लेकर आए थे तो वो लोग पका कर 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 हॉस्टल में ऐसा हम लोग पूरे मिलजुल कर पका कर खा रहे थे हॉस्टल में। अब आपके कितने लोग वहाँ पर साथियाँ फंसे हुए हैं अभी भी? अभी भी हमारे साथी है सुमी में है दोस्त जी, सुमी में चार सुमी में पांच छह इंडियन दोस्त है जिसको मैं जानता हूँ, हैदराबाद के बच्चे खारकीफ में थोड़े है जी, ऐसा मैं करीब करीब समझता हूँ मैं करीब 100 बच्चे तो हैदराबाद के अभी भी फंसे हुए हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना स्टेट के जी। आपको क्या मशवरा क्योंकि इन हालात से वापस आए कि उनकी कैसे मदद की जा सकती है? उनकी मदद सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट रशिया से बात करके कितना भी कितनी भी कोशिश करे रशिया से डिसाइड करके रशियन बॉर्डर्स को ओपन करके यूक्रेन इंडियन स्टूडेंट को रशियन सिटीज से इवैक्यूएट करिए रशियन। उन बच्चों के माँ बाप को आप कैसा तसल्ली देंगे क्योंकि वो लोग भी आपके माँ बाप की तरह परेशान होंगे? मैं सिर्फ वो लोग को कह सकता हूँ कि दुआ करिए बच्चों के बच्चों में भरोसा रखिए, बच्चे वहाँ के जो भी ट्राई कर रहे हैं वो लोग की सेफ्टी से कर रहे हैं जी। वो बच्चों में भरोसा रख के दुआ करके सिर्फ एम्बेसी के ऊपर तो कुछ नहीं छोड़ सकते इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट कुछ जवाब नहीं दे रही, इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि रशियन बॉर्डर को ओपन करिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कुछ भी करके रशियन बॉर्डर से बच्चों को सेफली रशियन बॉर्डर पर पहुँच सकते हैं बच्चे, अगर रशियन बॉर्डर ओपन हो गए इंडियन फ्लैग्स लेकर करके रशियन बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं बच्चे। आपका आने का सफ़र कैसा रहा वापसी का? मैं कीव से लवीफ तक मैं 8 घंटे ट्रेन में जो मैं ट्रेन में धक्के मार के करके जैसा भी मैं ट्रेन में चढ़ा ट्रेन में मैं 8 घंटे तक मैं ठहर के लवीफ तक पहुंचा। लवीफ से फिर कुछ ज़फ़रोज़िया यूनिवर्सिटी के बच्चे मिले हम लोग को, कुछ 42 हो रहे थे टोटल, हम लोग कुछ 14 बच्चे हम लोग थे बाकी के वो लोग थे, हम लोग लिविफ को हम लोग 300 बच्चे लिविफ पहुँचे, लिविफ पहुँचे बाद थोड़े पोलैंड बॉर्डर गए थोड़े रोमेनियन बॉर्डर गए, ऐसा लिविफ से डिवाइड हो गए बच्चे कि एक बॉर्डर पे नहीं जाने के लिए, तो हम लोग 14 बच्चे जो ग्रुप था हम लोग का 14 हम लोग का करीब 30 बच्चों का ग्रुप था, थोड़े 16 बच्चे बोले नहीं हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग मॉर्निंग में निकलते हैं लिविफ से, लिविफ में वहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह दे रहे थे हमारे को सब दे रहे थे लिविफ में सब प्रोवाइड कर रहे थे, तो हम लोग बाहर निकले तो हम लोग को ज़फ़रोज़िया के लोग मिले जो साथ हमारे जो दोस्त थे वो लोग के पुराने वो बच्ची जो थी हमारे साथ एक दोस्त जो थे वो लोग के पुराने कॉलेज के दोस्त थे ट्रांसफ़र लेके वो कीव आए थे वो, तो वो लोग के दोस्तों के साथ हम लोग उज़गोरोड पहुँचे जहाँ जो मेरी सिटी है वहाँ से मैं वो लोग को मेरे हॉस्टल जो है हॉस्टल वहाँ का उज़गोरोड का वहाँ लेकर गया, अमरीक सिंह ढिल्लों बोल के हमारा इंडियन एजेंट है अमरीक सिंह ढिल्लों वो एजेंट हमारे को मदद करे वहाँ पर वो लोग को एकोमोडेशन दिए जी। हम लोग भी वहाँ पे करीब हॉस्टल में करीब मैं भी कुछ 5-6 घंटे हॉस्टल में ही रुका, हॉस्टल में थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर मेरे वहाँ से दो उस गोरट में मेरे दूसरे दोस्त थे वो लोग के साथ जाके जो मेरे दूसरे जो दोस्त आए थे वो लोग के लिए खाना शावरमा वो कुछ लेके आया क्योंकि हम लोग कीव में हम लोग खा के कीव में एक दिन पहले खा कर कीव से आए थे कुछ नहीं खाए थे, रस्ते में लिविव में थोड़ा बहुत वो जो प्रोवाइड कर रहे थे लिविव में लिविव स्टेशन पर थोड़ा बहुत वो खा लिए थे, फिर वहाँ से हम लोग अमरीक सिंह ढिल्लों की तरफ से हम लोग बॉर्डर पहुँचे। अच्छा, से वहाँ पर दिल्ली तक कैसा पहुँचा बॉर्डर? जब हम लोग आए बॉर्डर पे भी हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं मिली, बॉर्डर पे जो बॉर्डर पुलिस थी हंगेरियन बॉर्डर की जो पुलिस थी वो हम लोग को जाहोनी स्टेशन पहुँचाई, वहाँ से जाहोनी स्टेशन से हम लोग बुदापेस्ट गए, बुदापेस्ट में इंडियन एम्बेसी के वॉलंटियर्स हम लोग को एक एयरफो ऑफिस बोलकर एक ऑफिस है वो ऑफिस लेके जाके ऑफिस में रखे, ऑफिस में भी वॉलंटियर्स ऐसा काम करे ऑफिस में रखे सो जगह एम्बेसी को बगैर इन्फॉर्म करे हमारे को एक ऐसी जगह लेकर चले गए अरेंज करके कि एम्बेसी को मालूम ही नहीं कि 550 स्टूडेंट्स ही ऑफिस में, एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, दूसरे दिन जब एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन गए कि 550 स्टूडेंट्स ही ऑफिस में ऐसा है एम्बेसी लोग आके हमारे को वहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेजे हमारे को, एक दिन फिर हम लोग दूसरी जगह रह के और सिटी में बुदापेस्ट सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स को इतना वो करे वहाँ पर भी इंडियन स्टूडेंट्स को कोई रूम नहीं मिल रहा था,
एम्बेसी को भी इतना हमारे टाइम तक एम्बेसी को भी ऐसा हो गया, एम्बेसी भी अगर कोई होटल बुक करिए इंडियन स्टूडेंट्स को हम लोग नहीं रखते बोल दिए वो लोग। तो बॉर्डर सिटीज़, दूसरे सिटीज़ 2 घंटे 3 घंटे के सफ़र पे वैसा दूसरे सिटीज़ में लिख जाके रखे, तो हमारे को भी एक दूसरी सिटी पे लिख जाके रखे थे। एक दिन हम लोग वो सिटी में रहे, फिर वहाँ से हमारे को दूसरे दिन जब इंफॉर्मेशन आई एम्बेसी से कि तुम्हारी आज फ़्लाइट होगी, तो एम्बेसी एक बस आई, वो बस में हमारे को एयरपोर्ट ले गया, मिलिट्री एयरपोर्ट। वहाँ पे हमारे को एक टोकन दिए, बस में चढ़े बाद हमारे को एक टोकन मिला बस में, इंडियन फ्लैग में नीचे दिल्ली लिखा था टोकन पे, अगर आपका वो टोकन रहा तो आपको प्लेन में अपबोर्ड करने देंगे। तो ये टोकन था कि स्टूडेंट्स को यहाँ भेजा जाएगा। तो जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो हम लोग एयरपोर्ट में कम से कम 3-4 घंटे एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद फिर हम लोग को प्लेन में बिठा के 12 o'clock की फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली के लिए। फिर हम जब ये एयर एशिया की फ़्लाइट थी, एयर एशिया इंडिया, ये फ़्लाइट से पहले हम लोग दुबई पहुँचे। दुबई में टू आवर्स का कुछ दुबई में स्टे था, हॉल्ट था प्लेन का, रिफ्यूलिंग, वो वहाँ से फिर दिल्ली है, 3 AM को रात में दिल्ली पहुँचे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कैसा इस्तेमाल किया? हम लोग जैसा दिल्ली पहुँचे तो हमारे को सबसे पहले दिल्ली में एयरपोर्ट के बाहर निकलते लगेज लेने से पहले आप कहाँ कौन से स्टेट के, स्टेट वाइज बैनर बोर्ड्स लेकर खड़े थे। जैसा मैं तेलंगाना काउंटर पे गया तो लोग बोले आप आपका नाम लिख दीजिए लगेज लेने से पहले ही। वो लोग मेरा नाम लिखा दिए पेपर पे, नेम, पासपोर्ट, एड्रेस, हाउस एड्रेस, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये पूरा वो लोग लेके हमारे को वहीं बाजू एक हाफ एन आवर ठहराए, क्योंकि और बच्चे भी आना था प्लेन में से। तो हम लोग को पूरे को ठहरा के फ़्लाइट का डिटेल्स मालूम करे। वो लोग बोले फिर अभी तो तुम लोग की फ़्लाइट मुश्किल है होना विद इन 1 आवर, क्योंकि और एक फ़्लाइट आने वाली थी। तो लोग बोले और एक फ़्लाइट गाज़ियाबाद पर उतर रही, मिलिट्री फ़्लाइट थी नेक्स्ट फ़्लाइट, तो वो फ़्लाइट के भी बच्चे आ रहे हैं, उसमें भी कुछ तेलंगाना के स्टूडेंट्स है बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग सबका एक ही साथ करेंगे बोल के वो लोग हमारे को तेलंगाना भवन लेकर गए। तेलंगाना भवन में हमारे को रूम दिए, अच्छा स्टे दिए तेलंगाना भवन में, कैंटीन में खाना फ्री करे हम लोग के लिए, ट्रैवल। फिर वहाँ से फिर हमारे को रोक के तेलंगाना भवन में रोक के कुछ 25-26 बच्चों को दूसरे आज सुबह 8 बजे की फ़्लाइट में बिठा के हैदराबाद पहुँचा है। हैदराबाद पहुँचे बाद हैदराबाद में भी यहाँ पर तेलंगाना ऑफिशल्स यहाँ पे हमारे को रिसीव करने हैं एयरपोर्ट पे। तेलंगाना के कोई बस का जो करा रहे थे, तेलंगाना जो पेरेंट जिस की कोई पिक करने नहीं आ रहे वो लोग के लिए बस का जो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे बस का, यहाँ पे भी मुझसे यहाँ पे भी मेरा पासपोर्ट नंबर वो लिखे, क्योंकि बच्चे घर तक सेफली पहुँच गए। तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे भी हेल्प करी, वहाँ पे हमारे को जो तेलंगाना गवर्नमेंट से जो प्रोवाइडेड नंबर्स थे वो नंबर से भी हेल्प हुआ हम लोग को। वहाँ पर के हालात आपको नॉर्मल होते हुए कैसा दिख रहा है? वहाँ के हालात तो अभी तो बहुत मुश्किल है नॉर्मल होना। आपकी तालीम अधूरी रहती जी, उसके लिए क्या फिक्र? मेरी अभी तो मैं फिफ्थ ईयर में चल रहा था मेरा सिर्फ ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि जितने भी स्टूडेंट्स MBBS स्टूडेंट जितने भी यूक्रेन से आए वो लोग को कुछ भी करके एडमिशन यहाँ पर इंडिया में वो लोग को MBBS कंटिन्यू करने का परमिशन दीजिए और एडमिशन यहाँ पे इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन करवाइए, कंटिन्यूएशन करवाइए। क्योंकि यूक्रेन मेरे हिसाब से तो यूक्रेन नेक्स्ट 1 ईयर तक यूक्रेन की कोई यूनिवर्सिटी ओपन होने के उसमें नहीं है, चांसेस नहीं है। ओपन हो सकती, सिर्फ ऑनलाइन चल सकता ऑनलाइन। अब मेरा जैसा फिफ्थ ईयर है, मेरे साथ वाले फोर्थ ईयर के बच्चे, फिफ्थ ईयर के मेरे साथ का बैच सिक्स्थ ईयर, हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज कंपलसरी है। अब हम लोग ऑनलाइन करें तो हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगी? हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारे को हॉस्पिटल कंपलसरी है, हॉस्पिटल में हमारे को पेशेंट्स कंपलसरी है, ऑब्जर्वेशंस कंपलसरी है, हमारे को वो ऑनलाइन में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी ये अपील है कि इंडियन गवर्नमेंट से कि पूरे स्टूडेंट्स को इंडिया में MBBS कंटिन्यूएशन करने का चांस दीजिए। आखिर में सवाल ये है कि जो लोग आपके लिए फिक्र बनते हैं, दुआएं करते हैं, उनको क्या पता? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ वो लोग की जो दुआ थी, जो भी मेरे लिए मेरे घर वाले मेरे वालिद साहब, मेरे वालदा जो भी मेरे लिए दुआ करें, तो वो लोग की दुआ है कि मैं आज सही सलामत घर पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा जो भी आपको जो है पूरा तफसील से जो है तफसील जो वहाँ के हालात थे जो वार जोन से जो आए हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में इतना सेफ है कि हमको अगर हमारे पास कोई ब्लास्ट होता है तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट खुद उसको इतना कंट्रोल करती है कि वो होने नहीं देती। जब ये लोग मुल्क से दूर, माँ बाप से दूर,
इनका मिजाज, इनका खाना, इनका रहना, रिश्तेदारों से दूर, ये सब रहने के बावजूद ये रह के वहाँ इतनी मेहनत से जो पढ़कर वापस यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बच्चे यूक्रेन से पढ़ते आए, तो मेरे कई दोस्तों के बच्चे भी यूक्रेन से MBBS करके आए हुए थे। मैंने सब पूछ कर ही उनको जो है इनको एडमिशन करवाया था वहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को पहले से मैंने हॉस्टल में रखा था, तो इनको हॉस्टल की आदत थी, इसीलिए मुझे उम्मीद ये थी और भरोसा यह था कि ये लोग वो मसायब बर्दाश्त कर सकते, तो मसायब की बिना पर मैं इनको वहाँ पे किया था। मगर आज इस हालत से वो लोग यहाँ पे वापस आए हैं कि ये सिर्फ हमारे तमाम दोस्त अहबाब के, मेरे मरीज़ों के, मेरे जितने भी पहचान वाले, ये सब के दुआएँ हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे, तमाम बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मैं दुआ यही करता हूँ कि जितने रुके हुए बच्चे हैं, जैसे हैदर, कमर, कमर नुमान वगैरह, ये उनको भी जो है जितने बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास, वो सही सलामत जल्द से जल्द पहुँचे। बस यही दुआ है मेरी कि अल्लाह उनको भी अपने अपने घरों को पहुँचा दें। खुदा हाफिज़।